हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल रूरल इंडिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो फ्रेंड्स आप? फ्रेंड देखिए, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन लेके आई हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है फ्रेंड्स। इस डिजाइन को आप जेंट्स फुल स्वेटर में बनाएं, लेडीज स्वेटर में बनाएं, जैकेट, ब्लैंकेट, मफलर, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे बना सकते हैं और किसी भी कलर में बना सकते हैं। मैंने इसे व्हाइट कलर में बनाया हुआ है, आप किसी भी कलर में इसे बना सकते हैं। ये देखिए बैक साइड से डिजाइन इस तरह दिखता है, ये इसकी बैक साइड है। ये 14-14 फंदों का डिजाइन है, 14 फंदे प्लस 4 फंदे, 14-14 फंदों का डिजाइन है प्लस 4 फंदे। और डिजाइन जो हमारा सीधी सिलाई से स्टार्ट होगा। तो मैं एक ही डब्बी आपको बना के बताऊंगी कि किस तरह ये मैंने बनाई हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 16 फंदे डाल रखे हैं। मैंने 18 फंदे डाले हुए हैं। पहला फंदा उतार लिया। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें 18 फंदे डाले हैं। पहला फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा भी उल्टा बना लिया। अब धागा बाहर किया। अब ये 2 फंदे, ये 4 फंदे, 1 2 3 4 फंदों में आपने क्या करना है, ये 2 फंदे पीछे वाले आगे लाने हैं और आगे वाले फंदों को आपने पीछे ले जाना है, इस तरह फिर आपने इनको सीधा करके बनाना है। 1 2 3 और ये 4। ये देखिए 4 फंदों को आपने पलट दिया आपस में। 1 फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने सीधे बनाए। फिर धागा अंदर किया, 1 फंदा उल्टा, दूसरा उल्टा और ये लास्ट वाला फंदा सीधा बनाया मैंने। सेकंड रो रोंग साइड से पहला फंदा उतार लिया, 2 फंदे मैंने जो उल्टे बनाए हैं उनको सीधा बनाया। अब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे मैंने उल्टे बनाए। फिर 2 फंदे सीधे और ये लास्ट वाला फंदा भी मैंने उल्टा बनाया। थर्ड रो राइट साइड से पहला फंदा उतार लिया, 1 फंदा, 2 फंदे, फिर धागा बाहर किया। अब मैंने इन 2 फंदों को, ये 2 फंदों का एक कर दिया। फिर मैंने ये जाली डाली, फिर ये 4 फंदे मैंने फिर आपस में पलट दिए। ये देखिए इस तरह ये 2 फंदे पीछे वाले आगे ले आई और आगे वाले पीछे कर दिए। 1 2 3 और 4 फिर 6 फंदे सीधे बनेंगे। 2 3 4 5 6 फिर धागा अंदर किया, 2 फंदे मैंने उल्टे बनाए और ये लास्ट वाला फंदा मैंने सीधा बनाया। ये देखिए इस तरह। फोर्थ रो रोंग साइड से पहला फंदा उतारा, 2 फंदे सीधे, 12 फंदे उल्टे बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 फंदे मैंने सीधे बनाए और ये लास्ट वाला फंदा उल्टा बना लिया। फिफ्थ रो पहला फंदा उतार लिया, धागा अंदर किया, दो फंदे तो उल्टे बना लिए, एक फंदा सीधा बनाया, फिर जाली डाली, सॉरी एक फंदा सीधा बनाया, अब यहाँ दो फंदों का एक कर दिया मैंने, फिर जाली डाली, पहला फंदा उतारा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे सीधे बनाए, फिर यहाँ दो फंदों का एक कर दिया, फिर जाली डाली, फिर मैंने इनको आपस में दो फंदे ये और दो ये आपस में पलटने हैं इस तरह, एक और ये दो, ये देखिए चार फंदे हमने ये सीधे करके बनाने हैं, जो पलटे हमने उनको सीधा करके बनाना, दो तीन और चार, फिर आगे भी चार फंदे जो है बाकी बच गए वो बनाने हैं सीधे, तीन और चार, दो फंदे उल्टे और ये लास्ट वाला फंदा ये इस तरह। 6 रो रोंग साइड से दो फंदे सीधे, 12 फंदे उल्टे बनाने हैं, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, और दो फंदे सीधे बनाने हैं लास्ट वाला फंदा, ये हमारी 6 रो बने। 7th रो ये देखिए इस तरह दिखेगा, 7th रो पहला फंदा उतार लिया, दो फंदे हमारे उल्टे बने, फिर एक दो तीन चार, चार फंदे हमने सीधे बनाए, अब हमने इन दो फंदों को एक कर दिया, फिर हमने जाली डाली, अब ये दो फंदे ये और दो ये आपस में पलट दिए, पलट के सभी फंदों को हमने सीधा बना लिया, तीन और ये चार, ठीक है। अब यहाँ हमारे दो ही फंदे सीधे बचे, फिर धागा अंदर किया, दो फंदे हमारे उल्टे आ गए और एक फंदा लास्ट में सीधा। 8th रो रोंग साइड से पहला फंदा उतार लिया, दो फंदे सीधे, 12 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, धागा बाहर किया, दो फंदे सीधे और ये लास्ट वाला फंदा, ये हमारी 8th रो हो गई, ठीक है। 9th रो राइट साइड से पहला फंदा उतार लिया, अब हमने दो फंदे उल्टे, अब यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः फंदे सीधे बन गए और ये दो फंदों का हमने एक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ हमने जाली डाली, फिर ये दो फंदे बचे हैं, इन दो फंदों को और इन दो फंदों को आपस में पलट दिया, ये देखिए, ये देखिए, फिर हमने ना चारों फंदों को सीधा करके बना लिए, एक दो तीन और चार, फिर धागा अंदर किया, दो फंदे उल्टे और एक फंदा लास्ट में सीधा, ये देखिए। 10th रो रोंग साइड से पहला फंदा उतार लिया, दो फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, फिर दो फंदे सीधे और ये लास्ट वाला फंदा। ये हमारी 10th रो बन गई। 10th रो बनने के बाद डिजाइन हमारा इस तरह दिख रहा है, ये देखिए। 11th रो राइट साइड से पहला फंदा उतार लिया, दो फंदे हमने उल्टे बनाए। अब हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ फंदे सीधे हुए और ये दो फंदों का हमने एक कर दिया और जाली डाली, फिर ये दो फंदे हमने सिंपल सीधे बना दिए। फिर धागा अंदर किया, दो फंदे उल्टे और ये लास्ट वाला फंदा इस तरह। 12 रो पहला फंदा उतार लिया, दो फंदे सीधे, 12 फंदे उल्टे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। फिर धागा बाहर किया, दो फंदे सीधे और ये लास्ट फंदा। ये हमारी 12 रो बन के बैक साइड से इस तरह दिख रहा डिजाइन और फ्रंट साइड से इस तरह ये डिजाइन हमारा बन के तैयार। 12 रो का ये डिजाइन है। फिर हमने डिजाइन दोबारा स्टार्ट करना हो तो मैं बताऊँ आपको। 13 रो पहला फंदा उतारा, दो फंदे हमने उल्टे बना दिए। अब फिर हमने दोबारा यहीं से स्टार्ट करना इसको, ये देखिए। दो फंदे हमने ये लिए और दो फंदे ये इस तरह हमने पलट दिए इनको। चार फंदों को हमने पलटा, पीछे से दो फंदे आगे ले आए और आगे वाले दो फंदे हम पीछे ले गए, ये देखिए इस तरह इस तरह। ये देखिए चार फंदे, ठीक है। अब हम 8 फंदे सीधे। ये हमारी फर्स्ट रो जो 13 रो जो है फर्स्ट रो की तरह बनेगी, ये देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर धागा अंदर किया, दो फंदे उल्टे और ये लास्ट वाला फंदा मैंने सीधा बनाया, ये देखिए इस तरह। ये डिजाइन अब स्टार्ट हो गया। 14 रो रोंग साइड से जिस तरह आपने सेकंड रो बनाई है, दो फंदे सीधे, 12 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और 12। फिर धागा बाहर किया, दो फंदे सीधे और ये लास्ट वाला फंदा हमने, ये देखिए मैंने दोबारा आपको डिजाइन बना के बता दी। अब आपने पहला फंदा उतारना, दो फंदे सीधे, दो सीधे बनाने हैं, ये दो सीधे, ये दो फंदों का एक करना है। फिर जाली डाल के ये दो फंदे ये और दो फंदे आपस में पलटने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मेरे ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड बेल आइटम जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, बाय बाय।